Hello everyone, I'm Raghi and in this video I'll be dealing with the calculations regarding the estimation for sulfur by Keres method. It's chapter number 12, class 11, so let's do the calculations regarding the estimation of sulfur that has been present in the given organic compound. Fine, so calculations. Let the mass of substance taken is equal to W gram. Mass of BaSO4 precipitated, that means mass of the BaSO4 precipitate formed is equals to x grams. ठीक है, so जो हमें हमने organic compound लिया है, organic substance लिया, suppose उसका mass जो है वो W gram है. Mass of the BaSO4 जो precipitate at the end हमें मिला था, उसका mass भी हम suppose to be x grams. Now, one mole of BaSO4 contain 1 gram atom of sulfur. इस BaSO4 में I am having only 1 atom of sulfur. So 1 mole of BaSO4 contain 1 gram atom of sulfur. तो obviously बात है, अगर मैं इसका atomic mass निकालती हूँ BaSO4 का, तो वो है 233 grams है. किसका एटॉमिक मास? BaSO4 का. सो 233 ग्राम ऑफ BaSO4 कंटेन सल्फर इज इक्वल्स टू 32 ग्राम, बिकॉज सल्फर का जो मेरा मास है वो 32 ग्राम्स है. ठीक है, और जो मेरा BaSO4 का टोटल मास है वो 233 ग्राम्स है. तो इस 233 ग्राम्स में से मेरे पास कितना सल्फर प्रेजेंट है? इस 233 ग्राम्स में आई एम हैविंग 32 ग्राम्स ऑफ द सल्फर. तो वही 233 ग्राम्स ऑफ BaSO4 कंटेन सल्फर इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स. देयरफॉर अब 233 ग्राम्स ऑफ BaSO4 कंटेन सल्फर इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स. सो x ग्राम्स ऑफ BaSO4 विल कंटेन हाउ मच ग्राम्स ऑफ द सल्फर? सो देयरफॉर x ग्राम ऑफ BaSO4 विल कंटेन सल्फर इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 233 इनटू x ग्राम्स. ठीक है, सो x ग्राम्स ऑफ BaSO4 में आई एम हैविंग दिस मच ग्राम्स ऑफ द सल्फर प्रेजेंट. 32 डिवाइडेड बाय 233 इनटू x ग्राम्स. दिस इज द मास ऑफ द सल्फर. दिस इज द मास ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन W ग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज गिवन टू अस. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन द W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस. नाउ परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड कितनी परसेंटेज होगी? 32 डिवाइड बाय 233 इनटू x डिवाइड बाय W. W क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच वी हैव टेकन इनटू 100. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ द सल्फर इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ परसेंटेज ऑफ सल्फर हम और किस तरह से लिख सकते हैं? 32 डिवाइड बाय 233 इनटू मास ऑफ BaSO4 फॉर्म व्हिच इज x अपॉन में मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज W इनटू 100. सो दिस इज द परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ सल्फर इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय केरियस मेथड. I hope the calculations regarding the estimation for sulfur must have been very much clear to you. But फिर भी अगर आप सबको कुछ छोटी से छोटी थोड़ी से थोड़ी doubt हो, then do ask your doubts in the space given below. Well, it's me Raki saying you all goodbye.